चौधरी देवीलाल को न केवल उनके समाधि स्थल बल्कि पूरे प्रदेश में और अलग अलग जिन जिन राज्यों में उनके स्टैचू लगे हुए वहाँ आज हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होकर के जहाँ उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, वहीं बहुत से तो ऐसी संस्थाएं हैं जो चोई साहब की पुण्यतिथि के ऊपर गरीबों में जाकर के कपड़े बांटती है, फल फ्रूट बांटने का काम करती है, ब्लड डोनेशन के कैंप लगते हैं, अनेक सामाजिक काम चौधरी देवीलाल के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग इस दिन शुरू करते हैं। और हर वर्ष चौधरी देवीलाल से नई पीढ़ी के लोगों इस पुण्यतिथि पे जहाँ उनके पूरे जीवन की जानकारी मिलती है वहीं वो उनसे प्रेरणा लेकर के सामाजिक और राजनीतिक तौर पे आगे बढ़ते हैं। सर, दूसरा राजनीतिक जो सवाल है कि टिकटों को लेकर, क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, पार्टी में किस तरह का मंथन चल रहा है और कब तक उम्मीद की जा सकती है? हमारी पार्टी का फैसला हुआ था, पीछे पीएससी की मीटिंग थी, हमारे पास एक एक लोकसभा क्षेत्र से 10-10, 15-15 कहीं 20 तक नाम आए थे, हमने उन नामों पर चर्चा करी और उसके बाद ये फैसला किया कि 15 तारीख को हम अपने नाम अनाउंस करेंगे। सर, मुख्य मुकाबला किससे मानते हैं मौजूदा चुनाव की अगर हम बात करें, इसमें किस तरीके की आज का जो राजनीतिक हालात है प्रदेश में, आज कांग्रेस बिखराव पे है। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक अपनी 4-5 सभाएं करी अलग अलग जाके, लोगों का मन टंटोड़ा, सब जगह बड़े विरोध का सामना करना पड़ा, तो 100% मान के चलो लोगों का एक मन है कि कांग्रेस और बीजेपी को सत्ता से दूर रखेंगे। केवल विकल्प एक ही पार्टी है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, जो लंबे समय से लोगों के लिए संघर्ष कर रही है, लोगों की जहाँ कोई सरकार की तरफ से परेशानियाँ खड़ी की गई उनके परेशानियों को कैसे खत्म कराया जाए उसके लिए उनके साथ खड़े होकर के लड़ाई लड़ी। सर, आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन हो रहा है इसमें, खासतौर से कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की गठबंधन की चर्चा है, और हुड्डा साहब भी ये कहते हैं कि हम तो गठबंधन के पक्ष में नहीं है, लेकिन गठबंधन नहीं ठगबंधन है, अपनी खाल बचाने के लिए दोनों इकट्ठे होंगे। सर, कोई गठबंधन में इनेलो भी कोई करने का, कोई किसी पार्टी के साथ आप तैयार है, कोई तैयार से इसका लगाया जा सकता है? मैं बहुत दिन से सोशल मीडिया पे भी देख रहा था, बहुत दिन से आप जैसे साथी जब मिलते थे बात करते थे तो वो भी ये चर्चा करते थे कि आपके भी कोई किसी से गठबंधन की बातचीत चल रही है, अगर कोई गठबंधन की बात होगी तो 100% आप लोगों को सबसे पहले बुला करके जानकारी देने। एक सर, क्योंकि अभी तक जितनी चॉइस आपकी पुण्यतिथि मनी उसमें तमाम लोग एकजुट दिखाई दिए, आज जो नज़ारा देखने को मिला कहीं ना कहीं लगता है कि परिवार में उस तरह की चीज़ें दिखाई दी? लोगों ने चौधरी देवीलाल के नाम पे कहीं अपने पैर जमाने की कोशिश करी, जिन जिन लोगों ने इस तरह से चौधरी देवीलाल की विरासत से छेड़खानी करके अपने पैर जमाने की कोशिश करी उनको मुंह की भी खानी पड़ी, लोगों ने भी मुंह नहीं लगाया। यह बात आपकी बिल्कुल ठीक है, हमने 8 से 9 बजे प्रार्थना सभा का समय रखा, वही लोग यहाँ बैठे थे हमारे से पहले जो कभी हमारे साथ बैठे। मुझे बड़ी इस बात को लेकर के हैरानी हुई, कल के अखबारों में जब पढ़ा ये कहा गया उसमें कि हम चौधरी देवीलाल की प्रतिमा को गंगा जल से धोने का काम करें, नहलाएंगे, सफाई करें। चौधरी देवीलाल तो गंगा की तरह पवित्र थे और उनके बारे में तो आज भी पूरे देश के अंदर कोई राजनीतिक आदमी, कोई सामाजिक आदमी उंगली नहीं उठा सकता। जो उन्होंने अपने जीवन में किया वो अपने आप में एक बड़ी मिसाल है। उन लोगों को गंगा में डुबकी लगाने की ज़रूरत है जो चौधरी देवीलाल की विरासत को कहीं ना कहीं कमज़ोर करना चाहते हैं। ये जितने बैठे थे ये सारे के सारे पाप के भागी हैं, इन्हें सबक मिलेगा। थैंक यू।